नमस्कार दोस्तों, मैं रूपमती वर्थे भोपाल से और आपका स्वागत है मेरे चैनल रूपा ग्रीन गार्डन में। उम्मीद करती हूं कि आप सब भी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दे ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप लोग देख सके। तो दोस्तों, आज मैं बात करूँगी एक अलग टॉपिक पर। सभी लोग बोलते हैं कि एप्पल के प्लांट यहाँ नहीं लगते हैं, शिमला में ही लगते हैं और ठंडी जगह में लगते हैं। तो हाँ दोस्तों, मैंने एक कोशिश की है और वो उस कोशिश में मैं सक्सेस हो गई हूँ। और मैंने किस प्रकार उनको ग्रो किए हैं वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ, बताती हूँ कि मैंने किस प्रकार ग्रो किए हैं। तो चलिए, ये है वो एप्पल की सीड। और दोस्तों, हम जब एप्पल खाते हैं तो उससे एप्पल की सीड्स निकाल लीजिए है और उन सीड्स को 24 घंटे के लिए पानी में गला दीजिए। और फिर क्या कीजिए, कोई भी एक मोटा कपड़ा लीजिए और उसको गीला कर लीजिए कपड़े को, और इसमें लपेट के और पॉलीथीन के अंदर अच्छे से लपेट के, एयर ना जाए इस प्रकार लपेट के, और एक हफ्ते के लिए आप फ्रिज में रखिए। और फ्रिज में कहाँ, फ्रीजर में नहीं रखना है, जहाँ हम हरी सब्जी रखते हैं, अंडे वगैरह रखते हैं, और जो गेट होता है, गेट में भी बहुत सारी जगह होती है सामान रखने की, वहाँ पर कहीं पर भी आप इसको रख दीजिए पन्नी सहित, ये पॉलीथीन के अंदर लपेट के रखना है। तो 8 दिन में आप देखेंगे कि इसमें स्प्राउट निकल गए हैं। ये देखिए, छोटे छोटे से ये आपको दिख रहे हैं सभी में। और अगर ये नहीं निकलते तो आप क्या कीजिए, ये सामने सामने का सभी का मुँह थोड़ा थोड़ा सा खोल दीजिए, ये देखिए, और फिर उसमें बहुत जल्दी से जर्मिनेट हो जाएगी। ये मैंने 8 से 10 दिन हो गए हैं, 10 दिन बाद निकाले मैंने, और बीच बीच में चाहे तो आप 2-3 दिन 4 दिन बाद में आप चेक कर सकते हैं कि निकले हैं कि नहीं निकले हैं। जल्दी भी निकल सकते, 5-6 दिन तो लगते ही हैं। कितना ही आप, ये मैंने 2 बार रखे थे तो एक बार मैंने ग्रो कर दिए हैं। और इसके लिए सॉइल मीडिया कैसे चाहिए मैं बताती हूँ। तो सॉइल मीडिया के लिए हम एक पार्ट मिट्टी का लेंगे, मिट्टी हम कम लेंगे, 40% लेंगे, और सैंड लेंगे हम 20%, और 25% हम लेंगे, मतलब 25% हम सैंड लेंगे और बर्मी कंपोस्ट लेंगे। बर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप पत्तों की खाद भी ले सकते हैं, और आप 2 मुट्ठी ये नीम खली ले लीजिए। अगर नीम खली नहीं है तो आप फंगीसाइड का जो पाउडर होता है वो भी आप ले सकते हो, आधी चम्मच। और फिर आप ये जो कोकोपीट है, कोकोपीट ले लीजिए। अगर कोकोपीट नहीं है तो जो राइस हस होती है वो ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे से काम करता है। और इन सबको मिक्सचर बना के कोकोपीट आप ज़्यादा ना डालिए, क्योंकि सेंट हम ऑलरेडी मिला रहे हैं, तो कोकोपीट आप ज़्यादा ना डालिए, 10% डाल सकते हो आप, और 20% आप सेंट मिला लीजिए इस प्रकार। सभी को मिला लीजिए मिक्सचर को। मैं इस कंटेनर में लगाऊंगी, इसको अच्छे से आप भर लीजिए। और इसको अच्छे से दबा दीजिए। फिर आप पानी डाल दीजिए। पानी पहले इसीलिए डाल देती हूँ मैं, क्योंकि हम जब कोई भी सीड्स डालते हैं तो फिर वो इधर उधर बिखर जाते हैं, इसलिए हम पहले ही पानी डाल लेंगे। जब फर्स्ट बार हम पानी डालेंगे तो अच्छे से पानी डालेंगे, नीचे तक के निकल जाना चाहिए। पहली बार अच्छे से पूरा नीचे तक निकलना चाहिए, क्योंकि हम उसके बाद में कम कम पानी डालेंगे, एकदम ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे बाद में। फिर हम एक एक करके सारे जो बीज हैं, जो अंकुरित हुए हैं हमारे, ये वाला भाग ऊपर की तरफ रखेंगे, या तो आप ऐसे भी डाल सकते हो, थोड़ा सा
गड्ढा करके थोड़ा सा उंगली से, और आप यूं भी डाल सकते हो। ये सारे बीज को आप ऐसे करके ऐसे भी डाल सकते हो। सभी लोग बोलते हैं और वैसे कि शिमला में उगते हैं ठंडक की जगह में, और हमने इसको ठंडक दी है फ्रिज से, तो ये बहुत जल्दी जर्मिनेट हो जाते हैं, नहीं तो ये एक एक महीने भी लग जाते, उग तो जाते हैं, हो जाते हैं जर्मिनेट, लेकिन बहुत टाइम लग जाता है, एक महीने हो जाते हैं जर्मिनेट होते होते। और ये सरल तरीका है, ऐसे में बहुत जल्दी जर्मिनेट हो जाते हैं, तो आप भी लगा सकते हैं। और फिर इसके बाद में इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी लेयर मिट्टी की डाल देंगे, जो हमारा मटेरियल था, जो सॉइल मीडिया हमने बनाई थी, वही सॉइल मीडिया हम इसमें थोड़ी थोड़ी सी ऊपर से छिड़क देंगे इस प्रकार। और फिर हम ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि नीचे की मिट्टी हमारी ऑलरेडी गीली है, बस थोड़ा थोड़ा सा छिड़क देंगे पानी। तो ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार आप रख सकते हैं। इसमें 15 से 20 दिन में पूरा ऊपर तक के, क्योंकि ये थोड़ा सा लेट ग्रो होता है, आप चिंता ना कीजिए, थोड़ा लेट ग्रो होता है, तो लेट ही इसमें स्प्राउट निकलेंगी। ये देखिए मैं बताती हूँ, ये मैंने 20 से 25 दिन पहले उगाया था। ये देखिए मेरे ये एप्पल के सीड्स हैं, ये प्लांट, और ये देखिए अभी तक के जर्मिनेट हो रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर ये अभी निकल रहा है ये, और एक तो अभी निकला ही नहीं है, तो इनको बहुत टाइम होता है और लेट जर्मिनेट होते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो मेरी, अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों कमेंट्स करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।